सागर के श्री भाग्योदय तीर्थ में निर्यापक मुनि पुंगव श्री स्वधा सागर जी महाराज ससंग के मंगल सानिध्य में 8 सितंबर से 31वें श्रावक संस्कार शिविर का शुभारंभ होने जा रहा है। 23 अगस्त को विख्यात कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में सागर के सर्व समाज के प्रतिनिधि मुनिवर के समक्ष एकत्रित हुए, गुरुवर से शिविर को भव्य बनाने के लिए आशीर्वाद मांगा। इस वर्ष निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ससंग के मंगल सानिध्य में होने वाला श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन 8 से 17 सितंबर के मध्य शुरू होने जा रहा है। इस शिविर के आयोजन की तैयारियों में सागर का पूरा जैन समाज लग चुका है। 23 अगस्त को विख्यात कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में सागर के सर्व समाज के प्रतिनिधि मुनवर के समक्ष एकत्रित हुए, गुरुवर से इस शिविर को भव्य बनाने के लिए आशीर्वाद मांगा। श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन बहुत ही निकट आ रहा है। हम लोगों की तैयारियां बहुत ही द्रुत गति से आगे बढ़ रही हैं। प्रतिदिन सभी का मिलना जुलना और कार्यक्रम को किस स्वरूप में आगे बढ़ाना, इसकी तैयारियां चल रही हैं। आज सभी मंदिर के पदाधिकारी हम लोग यहां पर एकत्रित पुनः हुए और फिर से हम लोगों ने सभी ने मीटिंग करके आगे की क्रियान्वयन के लिए यहां पर सभी एकत्रित हुए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। और अब जिज्ञासा ये रख रहे हैं महाराज श्री कि सभी ने भावना भाई कि है सब की आपने अपने प्रवचन में पहले भी कहा कि समस्त शिवरार्थी जो आते हैं देवता तुल्य होते हैं। महाराज श्री हम लोग किस प्रकार का समायोजन करें, किस प्रकार की योजना बनाएं कि एक एक देवता स्वरूप हमारे शिवरार्थी सागर नगर के प्रत्येक घर में पहुंच सकें और हम सभी इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से संचालित कर सकें। तो महाराज श्री आपका आशीर्वाद चाहते हैं इस कार्यक्रम के लिए। हमारे आदरणीय कमल कनवा जी जैसे चाचा जी, इनकी उम्र देखिए, इनसे लेके ये बच्चे सामदान वन भेद के जिन्होंने उद्दंडता की थी, लेकिन आज आपके चरणों में हाथ जोड़कर श्रीफल चढ़ाते हुए क्षमा मांगते हुए हम लोगों के साथ अपना समय देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। और महाराज श्री आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि हम सभी को वाणी के माध्यम से आशीर्वाद मिले, आगे का कार्यक्रम किस प्रकार से हम सभी कर सके। भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि मात्र ये शिविर नहीं पौरे चातुर्मास की सभी गतिविधियां इस सागर के सभी समाज को करनी है। यदि सभी मंदिरों के पदाधिकारी आए हैं तो आप बहुत लेट आए हैं, क्योंकि ये चतुर्मासी सागर का था और ये पूरे चतुर्मास शिविर में ही नहीं, पूरा चतुर्मास का हर कार्य पूरे सागर को ही करना है, क्योंकि सागर के नाम से ही चतुर्मास है। साथ ही मुनवर ने साम दाम दंड भेद नीति मंडल के बारे में भी कहा कि इस मंडल के सदस्य उद्दंड नहीं बल्कि उद्दंडों को लाइन पर लाने वाले हैं। और ये साम दंड भेद ने कभी ये उद्दंडता ना की है, ना कर रहे हैं और ना करेंगे। ये उद्दंड नहीं है, उद्दंडों को लाइन पर लगाने वाले हैं। अब उद्दंडों के लिए लाइन पर लगाने के लिए उद्दंड होना पड़ता तो उद्दंडता नहीं कहलाती, ये मास्टरी कहलाती है। साम दंड भेद, अरे उनके तो पहले ही नाम में साम लिखा है। जो साम से नहीं मानते हैं तो फिर दाम से माने, जो दाम से नहीं मानते हैं तो डंडे से माने, जो डंडे से नहीं मानते हैं वे भेद से माने, लेकिन लक्ष्य तो मनाना ही है ना। साम दंड भेद नीति जो है ये बहुत बड़ी नीति है, इसलिए बच्चों को ऐसा मत करो। ये उद्दंडों को सही रास्ते पे चलाते हैं, उसका नाम है साम दाम दंड भेद नीति मंडल। हमने नीति शब्द जोड़ दिया था, क्या नाम रखा तुम्हारा? साम दाम दंड भेद नीति मंडल। तो ये अच्छे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे, आशीर्वाद। गुरुवर से मिले आशीर्वाद के बाद साम दाम दंड भेद नीति मंडल ने गुरुवर और पूरे समाज के सामने संकल्प लिया कि सभी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से काम करेंगे। जो समाज के कुछ हम लोगों से बड़े जन को हम लोगों से ठेस पहुंची है, उनसे भी और आपके चरणों में हम सभी युवा दंडवत होकर क्षमा याचना करते हैं कि गुरुदेव हमसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा करें। और आज आपके सामने ये संकल्प लेते हैं कि पर्युषण पर्व में जो भी आपका शिविर लगेगा और पूरे चतुर्मास में एक भी शिकायत साम दाम दंड भेद युवा कमेटी की तरफ से आपको नहीं मिलेगी, और जो भी काम हमें दिया जाएगा हम पूरे निष्ठा के साथ करेंगे। और गुरुदेव जिज्ञासा सिर्फ इतनी सी है कि हम युवा यदि शिविर में
अपना शिविरार्थी बनकर नहीं आ पा रहे, हमको जो व्यवस्था दी जाएगी हम उस व्यवस्था को अपना पूर्ण निष्ठा के साथ काम करेंगे, तो हम लोगों को क्या पुण्य लगेगा और शिविरार्थियों बराबर क्या पुण्य लगेगा हम लोगों को। गुरुवर ने समूह से कहा कि ये शिविर नहीं, ये सागर का शिविर है। दुनिया देखना चाहती है कि सागर का शिविर कैसा होगा। पूरी भाषा में पूरा सब तुम बहुत अच्छा बोले, एक शब्द गलत बोल गए, आपके शिविर में। क्षमा गुरुदेव, क्षमा। हाँ, मेरा कोई शिविर नहीं और मैं शिविर में हूँ भी नहीं जी। मेरा शिविर तो एक ही साधु लगा सकता था, जो पूज्य गुरुदेव विद्यासागर है, उनके शिविरार्थी हूँ मैं तो। बाकी मेरा कोई शिविर नहीं है, आपके सागर का शिविर। श्रावक संस्कार शिविर भी की महिमा नहीं है इस बार। श्रावक संस्कार शिविर की महिमा तो सारी दुनिया जानती है कि श्रावक संस्कार शिविर क्या है। इस बार सागर के संस्कार शिविर की महिमा देखना चाहती है। मैंने चतुर्मास में कहा था कि चतुर्मास, मेरे चतुर्मास के संबंध में दुनिया बहुत जानती है कि मेरा चतुर्मास कैसा होता है। दुनिया मेरा चतुर्मास नहीं देखना चाह रही है, बोलो ना, सागर का चतुर्मास कैसा हुआ है ये देखना चाहती है। मेरे चतुर्मास तो दुनिया, मेरे चतुर्मास तो आज तक ठाट से हुए हैं और अभी से घोषणा कर रहा हूं, जीवन के अंत तक ठाट और बाट से होते रहेंगे। अभी तक कोई चतुर्मास कम नहीं रहा और विश्वास है भविष्य में भी। अब सागर वालों का कैसा रहेगा, सागर का चतुर्मास कैसा रहेगा, ये तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, मुझे क्या लेना, ये तो तुम्हारे ऊपर है। इसलिए शिविर तुम्हारा खुद का है और सब लोग अच्छे से काम करो। सबसे बड़ी तो है कि पूरा सामदंड भेद नीति पूरा शिविर में भर्ती हो जाए, पहला आशीर्वाद तो यही है। गुरुवर के आशीर्वाद पूर्ण वाणी सुन पूरा समाज अभिभूत हो गया। आगामी शिविर के लिए पूरे नगर का जैन समाज पूरे उत्साह के साथ तैयारियों में जुटा है। जैन फोकस के लिए सागर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।